उसके बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत बहुत फनी शो है, बहुत फनी स्क्रिप्ट है, बहुत अमेजिंग कास्ट है. हाँ मतलब सब कुछ एकदम अलग है, स्टोरी लाइन बहुत अलग है. यूजुअली सीरियल्स की कहानी जहाँ पर खत्म होती है, हमारे शो की कहानी वहाँ से शुरू होती है. कि एक पत्नी का पति आया है, वहाँ से हमारा शो शुरू होता है. और कॉमेडी है, बहुत इंटरेस्टिंग शो है, देखिएगा, बहुत मजेदार शो, बहुत लाइट है, बहुत फन है. आप अभी हिंदी में परिवार के साथ देख सकते हो, ऐसा शो है, बहुत मजा आता है हमको शूट करने में. तो आई होप आपको उतना ही मजा और उससे ज्यादा मजा आया देखने में. मैं आपको बता नहीं सकती कि इस बेलन से मैं क्या क्या कर सकती. सोच नहीं सकते लोग इस बेलन ने वो काम किया. जहाँ आप सबकी सोच खत्म हो जाती है, ये बेलन वहाँ से शुरू होता है. सिर्फ पति मरा हुआ है, भूत के पास कोई पावर नहीं है, कोई चमत्कारी नहीं है, बिल्कुल डरा हुआ गरीब सब भूत है. तो वो बहुत मजेदार है और मुझे बहुत डराता है, लेकिन प्यार प्यार आप भूलते भी काफी है शो में. तो ऐसे कौन से रियल लाइफ में कुछ ऐसे आप भूले कुछ? भूलती हूँ. हाँ मैं गिराती हूँ, मैं बहुत गड़बड़ करती हूँ, मैं भूखा बहुत करती हूँ. हाँ मैं रियल लाइफ में भी इससे ज्यादा है. कितना ये सीरियल में गुफा करती है, रियल लाइफ में करती है. बहुत सारे इंसिडेंट, कुछ बोला मेरे बारे में ही बहुत अच्छा बोला. बहुत सारे हमारे जो स्क्रिप्ट के आइडियाज है वो इनकी पर्सनलाइजेशन मिलते हैं. ये इतने गुफा दिन भर में करती है, कभी फोन गिराना, कभी टकरा जाना, तो वो सब गुफा जो है मेरे सीरियल में काफी काम आ रहा है. मैं अपनी राइटिंग टीम की बहुत हेल्प करती हूं. तस्वीर देखते हैं हम जब, तो ये हमें एक याद दिलाता है कि हम पांच में भी ऐसा था जहाँ पे कैरेक्टर जो थे एक तस्वीर से बात करते थे जो गुजर चुके. हम पांच में डिफरेंट था, हम पांच में तस्वीर में ही वो थी और वो तस्वीर से ही बात करते थे. बिल्कुल. यहाँ पे जो उनके पति जो बने हैं सब जगह घूम रहे हैं. तस्वीर में तो अभी माला चढ़ी, तस्वीर के अलावा पूरे गंदों को हमारे राइटर बोले जो कोस्टार भी है. राइटर कोस्टार सब मैंने रेड दिस में. मेरा फर्स्ट रिएक्शन यही था कि आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है. यू नो मैं कर चुकी हूँ बहू, यस, लेकिन एम्पावरिंग बहू कर चुकी हूँ, बेटी बहन सब कर लिया, सुपर नेचुरल कर दिया. अब वक्त था थोड़ा सा हंसने का और हंसाने का. तो मैंने जैसे ही फर्स्ट एपिसोड पढ़ा मुझे बहुत मजा आया. धीरज सर ने मुझे नरेट किया था एंड आई थिंक इट वॉज वेरी फनी. बहुत मजा आया, मुझे लगा कि ये तो बहुत करना ही है, कैसे भी करके. और ये हमारे शो के लिए सरप्राइज पैकेज है. तो क्रिस्टल ने जिस तरह के शोज पहले किए हैं, इनको बिल्कुल भरोसा नहीं, हमें बहुत भरोसा नहीं था कि ये कॉमेडी होने वाली है. तो हम बहुत तैयारी के साथ ही क्रिस्टल आएगी तो उससे ऐसे करवाएंगे ऐसा करवाएंगे, बट इसने बहुत अच्छा काम किया. मतलब सबको सरप्राइज कर दिया कि मतलब कॉमेडी में ये इतना अच्छी है कि लग रहा था कि अब तक कहाँ थी, क्यों नहीं कॉमेडी काफी इंटरेस्टिंग है आपका. तो कुछ आपको मिला क्या अभी तक कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट डेफिनेटली मिल गए जो आप कह रहे हो. आप क्या बात कर रहे हो, पूरे प्रोमो ही प्रोमो यही है. आप भी तो है, वो एंड में है ना, इसे एक दो सेकंड के लिए, 30 सेकंड. मैं पूरा घूम फिर के इनका भी पहुंच घूम फिर के मैं इन्हीं के पास आता हूं. ये है बेलन वाली, बट ये सुपर इन ऑल द प्रोमोस. मुझे बहुत मजा आता है जब ये प्रोमोस चलते हैं टीवी पे और मैं देखती हूं, मेरी मम्मी देखती है, कहते हैं कि बहुत अलग शो है. यू नो हमेशा हम देखते हैं कि औरतें कुछ ना कुछ बोलती है. हाँ, उस वे में अलग है कि जनरली. हाँ, मैन इज टॉकिंग. बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि एक मेल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शो भी है और उसका प्रोमो भी है. वरना जनरली ये होता है कि हीरोइन को एस्टेब्लिश किया जाता है, उसकी बाली झुमके कंगन बाल आंखें, फिर हीरोइन दिखती है. बट इसमें एक स्टोरी को इंट्रोड्यूस किया गया और हमारा मुख्य और हमारा किरदार. सो बेसिकली आपने इससे पहले बहुत से डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए, बट इस बार आप